कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार चौधरी ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में क्षेत्रीय कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया। गौर हो कि चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आयोजित 3 दिवसीय पर्वतीय कृषक महासंगम के उद्घाटन समारोह में कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय देश के पर्वतीय क्षेत्रों की खेतीबाड़ी और पशुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग की गतिविधियां और जो दूसरी हमारी एनजीओ है जिन्होंने अच्छा काम किया और बहुत से हमारे विभाग के भी स्टॉल जहाँ लगे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया। एग्रीकल्चर हमारी एक परंपरागत कृषि जो कि हम सदियों से इस जमीन को जो है वो जोतते रहे हैं और प्रोफेसर हरिंद्र जी ने ठीक कहा है कि सबसे ज़्यादा कोई साइंटिस्ट है तो वो कृषक है, उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, थोड़ी ऐसी जो है वो हमें क्रॉस पैटर्न जो है वो लाना पड़ेगा जिससे खुले बाजार में हमें अच्छी जो है वो उससे आमदनी जो है इजाफा हो सके। मैंने देखे आपकी कुछ एक्टिविटीज जो लोगों तक जानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार की एक्टिविटीज यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं, किस प्रकार का सर्टिफिकेट इनपुट जो है वो हमें यूनिवर्सिटी से मिल सकता है और इन मेलों से इन प्रदर्शनियों से भी लोग सीखते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी भी होनी चाहिए कि जहाँ किसान आता है वो लेकर के जाए, खरीद के जाए। मैंने हिसार के मेले में भी देखा है, मैंने जो है वो लुधियाने के मेले में देखा है, कई बार लोग इम्प्लीमेंट्स खरीद के ले जाते हैं, न्यू रिसर्चेज हैं, न्यू इनोवेशन हैं, ये जो है वो आपकी जो सोलर लाइट्स की जो है वो लाइट लेके जाते हैं, बड़ी न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं आजकल यूनिवर्सिटीज में, उनके साथ लोग जो है वो लेके जाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमने लुधियाने के मंडी से खरीदी। आपको भी इन चीज़ों को जहाँ कोई अच्छे बीज हैं, अच्छी चीज़ें हैं, प्रदर्शनी तो आपने लगा दी, अगर कोई आदमी जहाँ खरीदना चाहता है कि मैं वहीं मुख्य संसदीय सचिव कृषि पशुपालन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन व मुख्य संसदीय सचिव ने क्षेत्रीय कृषि मेला में किसानों द्वारा लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। पर्वतीय कृषि महासंगम आयोजित किया गया है। किसान भाइयों, हमारे देश व प्रदेश की आबादी के बड़े हिस्से के लिए कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है। इस क्षेत्र में कई चुनौतियों के बावजूद भी हम अन्न व अन्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए हैं, जिनमें वैज्ञानिकों के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता। आज कृषि क्षेत्र में देश के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जिनमें कृषि ज्योतों के विभाजनों और जल संसाधनों में निरंतर कमी प्रमुख है। इन समस्याओं के निवारण के लिए जलवायु अनुकूल क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रणाली को अपनाकर ही कृषि उत्पादक को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कृषि के इस संबंधित उद्यमों को अपनाकर छोटी जोत वाली खेती जीविका का एक आकर्षण अवसर बन सकती है। अतः खाद्य व पोषण सुरक्षा हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को में बदलाव लाने के लिए इससे जुड़े क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मुझे इस मंच से बोलते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश किसी विश्वविद्यालय किसी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है, जिसका साक्ष्य उदाहरण दयानाथ के फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम की सफलता है, जिसे मैंने स्वयं देखा है। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए गए फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम में किसानों को बहुत लाभ होता है, जिससे उनकी आर्थिक सुदृढ़ हुई है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए
विश्वविद्यालय के वैधानिक प्रशंसा के पात्र हैं। किसी एक जगह का विकास करके संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं हो सकता। अतः मेरा विश्वविद्यालय के वैधानिकों व कृषि विभाग से अनुरोध है कि फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम को दूसरों के क्षेत्रों में भी प्रचलित करें, ताकि वहाँ के किसानों को भी इस तरह के प्रोग्राम का उचित लाभ मिल सके। यहाँ मेरे किसान साथी हैं। वहीं प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर नवीन कुमार ने क्षेत्रीय किसान मेले को लेकर विस्तार से जानकारी प्रदान की। के टाइम पर 2013 में ये मेला हुआ था, आज 10 वर्ष के बाद 2023 में मेला हो रहा है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल उस तरह से है जैसे भगवान राम और हनुमान जी का मिलन जो है वो हुआ, और हनुमान जी जो हमारा ये कृषक है, मैं उसको हनुमान जी का रूप देता हूँ, क्योंकि वो अपनी शक्ति कभी कभी बीच में भूल जाते हैं। हमारा हिमाचल का किसान इतना शक्तिमान है, उसके पास क्या क्षमता है, क्या ताकत है, ये उसको खुद नहीं मालूम। पूरा विश्व हमारे हिमालय की शक्ति को जानता है। हमारे पास यहाँ जो फसलों की विविधता है, हमारे पास जो यहाँ पर जर्म प्लाज्म है, अलग अलग लैंड रेसिस है, जो पौराणिक आपकी किस्में हैं वो आपने संजो कर रखी हुई हैं, पूरा विश्व उसको लेना चाहता है। उसके अंदर ऐसे तत्व छुपे हुए हैं, ऐसे गुण छुपे हुए हैं जो पूरे विश्व को चाहिए। पूरा विश्व हमारे हिमालय की शक्ति को पहचान गया है, मगर हम उस शक्ति को भूल कर बैठे। इस शक्ति को जगाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों से और विश्वविद्यालयों की जरूरत है। वही कार्य ये विश्वविद्यालय कर रहा है। अभी कल की ही बात है, एक इंग्लैंड से यहाँ पर एक महिला यहाँ पहुंची, वो हमारे साथ